हे गाइस, वेलकम टू क्वांटविज। लास्ट वीडियो में हमने 25 तक सॉल्व कर दिए थे, तो आज 26 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर द टू सेंटर ऑफ टू डिफरेंट सर्कल। ठीक है, तो बी एंड सी आपके दो सेंटर हैं। ए डी इज ए कॉमन टेंजेंट, ठीक है, दोनों सर्कल पे। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 3:5। ठीक है, अब देखिए रेडियस क्या है, ये ठीक है, टेंजेंट पे ठीक है, तो हमारा आंसर इजीली आ जाए। ये दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं ए डी बी और ए ई सी, ये दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में, ठीक है, एक एंगल कॉमन है ये वाला। ठीक है, तो अगर दो एंगल कॉमन है तो यानी कि दो एंगल सेम है अगर दो ट्राइंगल्स में तो वो सिमिलर होते हैं। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे डीबी और ईसी का रेशियो है 3:5, उसी तरह से एबी और एसी का रेशियो भी 3:5 होगा। ठीक है, अब देखिए एसी उसने ऑलरेडी दे रखा है हमारा, ठीक है, एसी उसने क्या दे रखा है, 40, तो 40 सेंटीमीटर एसी है। और एसी का अभी हमने बताया था एबी और एसी का रेशियो है 3:5, यानी कि एसी को अगर हम 5x मान लें, ठीक है, तो एक्स आ जाएगा, यानी कि एबी क्या आ जाएगा हमारा 3x, यानी कि 3 × 8 24, तो एबी 24, एसी 40, तो हमारा बीसी कितना आ जाएगा, 40 − 24 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बीसी आ गया हमारा। अब यहां से देखो बीसी है क्या, बीसी इन दोनों सर्कल के रेडियस का सम है। ठीक है, ये पहली सर्कल का रेडियस है यहां से यहां तक का, ठीक है, और ये दूसरी सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो यानी कि दोनों सर्कल की रेडियस का सम आ गया हमारे पास बीसी, यानी कि 16। तो यानी कि दोनों और दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या रखा है, 3:5। तो अगर देखो हम ऐसे लिखें 3x + 5x, देखिए इनका सम इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 16, तो 8x इज इक्वल टू 16, एक्स आ गया 2। ठीक है, अब x पता लग गया, यानी कि इसकी रेडियस क्या है 5x यानी कि 10, और इसकी रेडियस क्या है 3x यानी कि 6। अब तो पता चल जाएगा, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का या तो फॉर्मूला लगा दो या ऐसे करो। देखिए ये हो गया, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये वाला, तो ये जो हो जाएगा, ये हमने जो लाइन खींची है ये डी ई, इसको एक्स मान लो, डी ई एक्स का हाइपोटन्यूज हो गया। ठीक है, हाइपोटन्यूज यानी ये बीसी के बराबर होगा क्योंकि रेक्टेंगल बनाया हमने, तो ये भी 16 हो गया। ठीक है, तो डी ई एक्स का हाइपोटन्यूज हो गया, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, डी एक्स क्या होगा 10 − 3, यानी कि इसके रेडियस माइनस छोटी वाली रेडियस, तो कितना हो जाएगा 10 − 6, सॉरी, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस जो हमें निकालना है डीई का स्क्वायर, तो डीई क्या आ जाएगा यहां से 16 का स्क्वायर 256 प्लस सॉरी माइनस 16 करेंगे तो 240। ठीक है, इसका अंडर रूट लो, ये आ जाएगा, इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा 4√15। ठीक है, इसको थोड़ा फिगर को हम अलग से बना लेते हैं। ये जो आपको फिगर दे रखी है ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी क्योंकि ये डिस्टेंस तो काफी छोटा दिखा रखा है इसमें। तो एन एम ए बी सी डी, ठीक है, अब उसने ए बी 30 दे रखा है, ठीक है, सी डी इसने बता रखा है 24, ये है 24। ठीक है, ए बी अगर ए बी हमारा दे रखा है पूरा यहां से यहां तक, इतना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने एन एम पूछा है, अब देखिए एन एम होगा क्या,
मान लो ये सेंटर है वो, मान लो बड़ी रेडियस है हमारी कैपिटल आर, ठीक है, छोटी रेडियस होगी ये हमारी स्मॉल आर, यानी कि छोटे सर्कल की रेडियस। तो एनएम क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये निकाल ले उसका डबल कर दे तो एनएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा पाइथागोरस लगा के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो अगर हम ये निकाल ले और उसका डबल कर दे तो एनएम आ जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ये इजी है। देखिए इस डिस्टेंस को एक्स मान लो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ये हमारा हो गया स्मॉल आर, ठीक है, और ये आ गया हमारा कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ दोनों जगह पाइथागोरस लगा दो, ठीक है, स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये 24 है सी डी, तो छोटा इसका आधा कितना हो जाएगा 12, यानी 144, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड क्या होगी, बड़े वाले में लगाओ आर स्क्वायर इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस, बड़ा कितना टोटल हमारा ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना होगा 15, यानी 225, ठीक है। अब माइनस कर दो, ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, ठीक है, तो यानी कि इजल टू 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसका अंडर रूट लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो एन एम का हाफ कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो उसका डबल कितना होगा 18, तो एन एम आ गया हमारा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एन ए सी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है, ए बी ए सी रेडियस है इस सर्कल की, सेंटर ओ मान लो, रेडियस है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ बी ए सी, यानी कि ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इन दोनों जो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, वैसे ए बी और ए सी बराबर होगा क्योंकि किसी भी पॉइंट से टेंजेंट पे, अगर आप किसी भी पॉइंट से अगर आप किसी सर्कल पे दो टेंजेंट खींचते हो तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनका स्क्वायर का सम का अंडर रूट क्या होगा, ठीक है, तो अगर कोई एक भी निकाल लो आप इसमें से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये चाहिए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, ये 30 है तो टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, ये परपेंडिकुलर क्या है 6, बेस हमको निकालना है, बेस आ जाएगा 6√3, ठीक है, एक आ गया, दोनों दोनों बराबर हैं तो, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 36 × 3, ठीक है, 2 और इसका अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों का पूछा है, दोनों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 6√6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29th, एबीसी आपको फिगर दे रखी है, एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, एसीबी 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये देखिए देखिए ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, ठीक है, इसको कैपिटल आर निकालना है हमको, ठीक है। तो अब हमको आर निकालना है, एक रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 90 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो आर निकालना है। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इसको मान लो सी, इसको मान लो एम, इसको मान लो एन, इसको मान लो ओ, इसको मान लो पी, ठीक है, सी एन एम, ठीक है, पी, ठीक है, दोनों ये जो एक दूसरे के वो क्या सिमिलर है, क्यों, सेम प्रॉपर्टी, एक एंगल 90 डिग्री है दोनों में और एक एंगल कॉमन है, ठीक है, सी वाला कॉमन है, ठीक है। अब देखिए अब तो बिल्कुल इजी हो गया ये, ठीक है, देखिए जैसे ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये कैपिटल आर है, ठीक है, ओ एम ओ पी के कैपिटल आर, ठीक है, तो इससे हम सी ओ निकाल सकते हैं। सी ओ क्या होगा, टेंजेंट 30, ओ साइन 30 क्या होता है इजिकल टू परपेंडिकुलर, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल में देखो पहले कैपिटल आर डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेन्यूज क्या है सी ओ, ठीक है, तो सी ओ क्या हो जाएगा, टू आर, ठीक है, होता है 1/2, तो ये हो गया 2 आर। अब यहां ये एन और ये ओ, ये देखिए ये दोनों जो ट्रायंगल है उनके रेडियस का सम होगा ये, ठीक
ठीक है, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की रेडियस का सम होगा आर प्लस टू, ठीक है। और सिमिलरली एनसी क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में वही लगा दो साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4, साइन 30 1 बाई 2, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 टू 4, ठीक है। अब ये आपके तीन चीज आ गई, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सीओ 2 आ रहा है और एनओ आर प्लस 2 है, तो सीओ माइनस एनओ क्या होगा, सीएन, ठीक है, सीओ 2 आर एनओ आर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल हैज थ्री टेंजेंट, ठीक है, तीन टेंजेंट है आपसे, आपके पास ये है पी से लेकर इस पॉइंट तक, एक ये और एक क्यू आर है, ठीक है, क्यू पी आर, ये आपको एंगल दिया हुआ है 45 डिग्रीज, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, ठीक है, इसकी एंगल की वैल्यू बतानी है। देखिए एक तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, देखिए ये क्या बन गया, आप ये मान लो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर बन गया ओ एक्स पी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंगल आपको 90 डिग्री है, ठीक है, तो अब बाकी जो दो बचे एंगल है वो भी, उनका सम भी 180 होना चाहिए, तो अगर पी अगर 45 है तो एक्स ओ वाई क्या होना चाहिए, 180 माइनस 45, ठीक है, 135, ठीक है, तो ये 135 हो गया। अब देखो एक तो डायरेक्टली याद रख लो, अगर तीन टेंजेंट बन रहे हैं ना आपके पास एक ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये जो एक्स ओ आर होगा वो 135 का हाफ होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए ये एंगल होगा 45 का हाफ 22.5 डिग्रीज, ठीक है, ये 90 हो गया आपका, तो ये बचा कितना है, ये वाला एंगल, ये होगा 67.5 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये जो क्यू है ये भी तो दो टेंजेंट ही है ना ये वाले, ठीक है, और ये लाइन अगर आप जोड़ दो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ये दो टेंजेंट है तो ये 67 को भी हाफ में डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 33.75, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये दूसरा वाला भी क्योंकि सिमेट्रिकल है तो ये भी 33.75, ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 67.5, ठीक है। या तो आप ये तो आप याद ही रखो कैसे आया आंसर, ठीक है, बट फ्यूचर के लिए जब क्वेश्चन सोल्व करो ये एंगल निकाल के उसको हाफ कर दो, तो ये क्यू आर जो होता है वो हमेशा इसका हाफ ही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी है, बाकी जो आपका इसमें थ्योरम है वो तो क्या कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम ही यूज होगी। देखिए इन द गिवन फिगर टू आइडेंटिकल सर्कल, दो आइडेंटिकल सर्कल दिए हुए हैं, आइडेंटिकल मतलब इनका रेडियस सेम है, तो ए बी ए और ए और बी इनके सेंटर है, ठीक है, आर क्यू निकालना है हमको, ठीक है, व्हाट इज, बस हाँ इतना ही डेटा दिया हुआ है आपको कि इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अगर रेडियस दोनों की 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। अब देखिए ये सेंटर से ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे दो, ये आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा है, एक तो एस पे बन रहा है, ठीक है, और एक क्यू पे बन रहा है, ठीक है, इनका कॉमन क्या है, कॉमन एंगल इनके पास है दोनों ट्रायंगल के पास पी, ठीक है, तो ये हो गया पी, ठीक है, तो ये क्या हो गया छोटे वाले का पी एस, सॉरी ये छोटे वाला ना, तो यहाँ पे एस आएगा, सॉरी, ठीक है, छोटे वाला ये बड़े वाले में क्यू आएगा, ठीक है, तो छोटे वाला ट्रायंगल क्या बन गया पी एस ए, ठीक है, बड़े वाला क्या बन गया पी क्यू आर, ठीक है। अब क्यू आर आपको निकालना है तो इसको एक्स मान लो, ठीक है, एस ए आपको दिया हुआ है रेडियस है, ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पी एस, पी एस तो नहीं पता हमको, ठीक है, पी ए पता है हमको, देखिए पी और ए क्या है 12, ये तो इसका डायमीटर हो गया 8, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 8 प्लस 4 12, तो पी ए क्या हो गया 12, ठीक है, पी एस हमको पता नहीं है, हम निकाल सकते हैं इसको कैसे, पाइथागोरस लगा के, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 16 इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, तो पी एस कितना आ जाएगा 128 का रूट क्या होता है
एट रूट टू, ठीक है। तो ये आ गया पी एस हमारा एट रूट टू, ठीक है। अब हमको दूसरे बड़े में देखो, पी आर पता है हमको? नहीं पता, ठीक है, हमें जरूरत भी नहीं है पी आर की। पी क्यू पता है? हाँ पता है। पी क्यू क्या होगा ये देखिए, दो पी क्यू कितना होगा? 16, ठीक है। पी क्यू 16 हो गया। अब बस इतना डेटा आपको पता है, आप निकाल सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल की क्या होती है प्रॉपर्टी? कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो पी एस बाय पी क्यू, पी एस कितना है? एट रूट टू, पी क्यू कितना है? 16। एस ए 4 बाय क्यू आर हमें को निकालना है। ये हो गया 2, तो x हो गया कितना? 8 बाय रूट टू। 8 बाय रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं? 4 रूट, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। द रेडियस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल दिए हुए आपको, ठीक है। एक छोटा है 3 सेंटीमीटर का, एक बड़ा है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये टच नहीं हो रहा है क्योंकि इनके बीच के सेंटर का डिफरेंस कितना है? 10, ठीक है। तो 10 है यानी कि 7 से बड़ा है, यानी कि ये एक दूसरे पे टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया आपका 10, ठीक है। पूरा रेडियस आपको दी हुई है कितनी? 3, ये है 4। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर, यानी कि जो उनके सेंटर के बीच का डिफरेंस है 100, ठीक है, माइनस रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। सिमिलरली ट्रांसवर्स का क्या होता है? उनके बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर 100 माइनस आर वन प्लस आर टू यानी 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 99 डिवाइड बाय 51। फर्दर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 33 डिवाइड बाय 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एबीसी इज ए ट्राइंगल, ठीक है। एबीसी इज ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी दिया हुआ है आपको 5, ए सी दिया हुआ है रूट 41, बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। पूछा है इसका एरिया बताओ, इस वाले ट्रायंगल का। देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे निकालें, क्योंकि ना तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना इसमें ना आप क्या कहते हैं, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और रूट दिया हुआ है तो इसको आप देखिए, इसका एक बेसिक बहुत इजी सा वो है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए ये डी है, ठीक है। ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये इसका हाइपोटेन्यूज 5 है। अब किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, ठीक है। अगर तो ये 5 है हाइपोटेन्यूज, तो बाकी जो दो बचे हैं वो क्या होंगे? 3 और 4 ही होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता, तभी राइट एंगल बनेगा। उसके अलावा कुछ हुआ तो राइट एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या ये 3 है या 4 है, ठीक है। अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, या ये 4 होगा तो ये 3 होगा। अब यही डिसाइड करना है आपको क्या है। देखिए अब यहाँ पे आप पुट करके देख लो। देखिए दोनों, अगर मान लो इसको आपने 3 लिया, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में तो सेटिस्फाई कर रहा है 3 4 5, ठीक है। इसमें देखो, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है 41 इज इक्वल टू 25 प्लस 16, ठीक है। तो हो गया अपना, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप उसको 3 लेते, इसको 4 लेते, तो ये भी 4 हो जाता, ठीक है, पर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ठीक है। 16 प्लस 9 25 आता, ठीक है। बस तो आपका, आपने सही लिया है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। अब ये आ गया तो एरिया निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का, क्या होता है? हाफ बेस 3, हाइट क्या है? 4 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, क्यू डी दिया हुआ है आपको, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2, ठीक है। क्यू सी 5, सी आर 3, बी आर 4, ठीक है, पी बी 6, पी ए 5, ठीक है, और ए डी भी दिया हुआ है, ठीक है, 3। तो उसने
बेसिकली आपको हर एक साइड की वैल्यू बता दी है, ठीक है। अब उसने पूछा है क्वाड्रिलेटर का एरिया बताओ। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ना तो ये क्वाड्रिलेटर कोई रेगुलर फिगर बन रहा है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल या फिर कोई स्क्वायर या फिर कुछ पैरेललोग्राम, कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, कुछ आपको पता नहीं है। तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालो और इस और इस इन तीनों को माइनस कर दो, ठीक है। पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो, या तो पूरे ट्रायंगल का, तो या तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा के निकालो, या फिर अगर आपको ये थीटा पता चल जाए किसी तरह से, साइन थीटा की, एक आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, जो अगर आपके पास जैसे ये है, अगर आपको ये थीटा पता है तो हाफ उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके बराबर में जो है मिलती हुई ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये थीटा पता चल जाए, ठीक है, तो आपको इस साइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये दोनों 5 और 6 दिया हुआ है आपको, आप निकाल सकते हो। सिमिलरली बी आर सी में भी अगर आप ये थीटा निकाल लो तो हो जाएगा, डी क्यू सी में भी थीटा निकाल लो तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब थीटा निकालना है हमने, ठीक है, ये अलग से बना के देखते। अब देखो पी क्यू की पूरी हाइट क्या है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये 10 हो गया पी क्यू। अभी हम क्वाड्रिलेटर को भूल जाते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली पी आर की क्या है, 6 और 4 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका एक, क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो अगर आप ये एंगल निकाल लो तो बाकी दो भी निकल जाएंगे, क्योंकि 180 में से माइनस कर दोगे, हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा, अगर उससे सामने वाली साइड पे बाइसेक्टर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है, या आइसोसेलेस और इक्विलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से ए पी डी डाल दिया, ठीक है, पी डी तो डी तो ऑलरेडी है, पी एम डाल दिया, ठीक है, तो ये थीटा भी बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल को भी बाइसेक्ट, ये प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटर और आइसोसेलेस दोनों की। क्वाड्रिलेटर में तो किसी भी, ओ सॉरी सॉरी इक्विलेटर और आइसोसेलेस में, ठीक है, इक्विलेटरल में तो आप किसी भी साइड से किसी भी दूसरी साइड पे एक परपेंडिकुलर डालो, वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। बट आइसोसेलेस में क्या होता है, जो दो साइड बराबर होती हैं उसी वर्टेक्स से अगर आप डालोगे तो ये होगा, ठीक है, अगर आप क्यू से डालोगे तो नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब ये आ गया आपका, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ठीक है। क्यू एम है, क्यू आर आपको टोटल दिया हुआ है 8, तो क्यू एम हो गया 4, तो आप ये निकाल सकते हो ये वाला, अगर ये थीटा निकाल लो तो ये भी थीटा आ जाएगा, ये sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा कैसे निकालोगे, डायरेक्ट वो लगाओ आप, क्या कहते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, 4 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, 10, तो यानी 2 बाय 5, ठीक है। कोस थीटा भी निकाल लो, क्योंकि sin 2 थीटा आएगा तो आपको 2 sin थीटा कोस थीटा करना पड़ेगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा, पाइथागोरस लगा के आप बेस निकाल सकते हो, 2√21 आएगा, ठीक है, 100 माइनस 16 करोगे तो 84, 84 का अंडर रूट क्या होता है, 2√21, ठीक है। तो कोस थीटा होगा बेस, यानी 2√21 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या, ओ सॉरी 10 है, तो ये क्या होगा, 21 बाय 5, ठीक है, तो आपका साइन थीटा कोस थीटा आ गया ये, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है हमारे क्या कहते हैं, थीटा थीटा, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब बस इतना आ गया, अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है, ये मैं फिगर थोड़ा यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब अच्छे से देख लो इसको, ठीक है, ये हो गया आपका कोस साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई, अब सब पता है आपको, बस आपको सिंपल कैलकुलेट करना है। पहले बड़े वाले का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पी क्यू आर का एरिया क्या है, हाफ दोनों साइड के हैं, 10 × 10, साइन थीटा क्या निकाला हमने अभी, सॉरी sin 2 थीटा क्या होगा, एक मिनट, ठीक है, बड़े वाले का देखो, पी क्यू आर का क्या होगा, हाफ 10 10 sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, साइन थीटा क्या है 2 बाय 5, कोस थीटा क्या है, √21 बाय 5, ठीक है। अब देखो क्या कट कट रहा है, ये कट गया, ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ठीक है।
तो बड़े वाले का एरिया क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 8√21। ठीक है, तो पहले बड़े का एरिया आ गया आपके पास 8√21। ठीक है, फर्स्ट। अब ये छोटे वाले को निकालो, पी ए बी का निकालो। ठीक है, पी ए बी का क्या होगा, हाफ। साइड्स कौन कौन से, 6 और 5। यहाँ पे भी साइन 2 थीटा होगा, तो 2 sin थीटा cos थीटा 2/5√21/5। ठीक है, यहाँ भी काटो, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आएगा, तो ये होगा 12√21/5। ठीक है, सेकंड भी आ गया आपका। ठीक है, अब बीसीआर निकालो, बीसीआर होगा आपका हाफ 4 × 3 ×, ये sin 90 − θ। sin 90 − θ क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा लगेगा यहाँ पे 21/5। ठीक है, ये होगा 6√21/5। ठीक है, और आपके पास लास्ट वाला बचा है, फोर्थ, वो होगा 1। ठीक है, ये वाला क्यू डी सी हाफ 2 × 5। सिमिलरली साइन 20 क्या होगा, क्या कहते हैं, 90 − θ cos थीटा। ठीक है, तो 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये आ गया खाली √21। ठीक है, अब चारों आ गए, अब माइनस कर दो, सिंपली माइनस करना है आपने, कुछ नहीं करना। 8√21 में से, ठीक है, बाकी जो तीनों है वो माइनस करने हैं। ठीक है, तो 8√21 आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा, 8√21, ये जो बड़े का एरिया है पी क्यू आर का, माइनस ये सब है जो बाकी जो हमने तीन निकाले हैं, 12√21/5 प्लस 6√21/5 प्लस √21। ठीक है, सोल्व करो इसको, 8√21 अंदर क्या आएगा, इसका एलसीएम लेके करोगे तो ये आएगा 23 12 6 18 प्लस 5 23√21/5। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके यहाँ पे आएगा 40√21 माइनस 23√21/5, तो 40 − 23 कितना होता है, 17, तो आएगा 17√21/5। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, आपको ये बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब भी दो साइड्स के बीच का एंगल दिया हो तो आप एरिया निकाल सकते हो 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका 17√21/5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है बहुत। देखिए आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, साइड एस की 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ई और एफ मिड पॉइंट है इन साइड की। ठीक है, ये ठीक है मिड पॉइंट है ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टली, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट। ईपीएफ, ईपीएफ कहाँ है, ईपीएफ, हाँ ये आपका एक सेमी सर्कल दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला हुज डायमीटर इज ईएफ। ठीक है, डायमीटर भी दिया हुआ है, सब कुछ इसने दिया हुआ है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ नहीं है। एलएमएनओ, ये आपका एक स्क्वायर बना हुआ है बीच में। ठीक है, व्हाट इज द एरिया, अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब टोटल में से अगर आप ये अनशेडेड रीजन है जो है सेमी सर्कल और ये माइनस कर दो तो आपका शेडेड का भी आ जाएगा आंसर। देखिए करते हैं, पहले टोटल का एरिया निकालो, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, बढ़ेगा 14² यानी 196। अब इसमें से छोटे का माइनस, सबका माइनस कर दो, क्या कहते हैं ये सेमी सर्कल का और एक स्क्वायर का। सेमी सर्कल का एरिया क्या है, 1/2 π r² आर क्या होगा, अगर ये डायमीटर पूरा 14 है इसका, ठीक है, तो आर क्या होगा, 7। ठीक है, तो 7 प्लस, अब ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ठीक है, इसकी साइड नहीं दी है पर हमको ये पता है इसका ये डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या होता है, √2a। ठीक है, इसकी ये किसके बराबर होगा, √2a, ये बीच में क्या था, ये कुछ था, ठीक है, यहां से यहां तक का एन तक का क्या है, ये इसका डायगोनल हो जाएगा एन तक का। ठीक है, तो ये क्या होगा, एफ सी के बराबर, तो एफ सी क्या है, 14½ यानी 7। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा, 7/√2। ठीक है, सब कुछ आपको पता चल गया, आप माइनस कर दो बस, 7/√2 है तो उसका एरिया क्या होगा, 49/√2।
टू, ठीक है। अब सिंपली माइनस करना शुरू कर दो, ये हो गया ये 11, ये कट जाएगा तो ये आएगा 77 प्लस 24.5, ठीक है। तो 196 में से अब अगर आप ये 101.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 549, ठीक है, 94.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी ई एफ, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। पर इसमें ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, ठीक है। और उसकी साइड भी बता रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी एफ, ठीक है, तो ये क्यू ए बी ये, और डी सी आर ये, और डी ई एस ये, ठीक है। ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है। अब उसने पूछा शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ। अब ये शेडेड का निकालना है तो अगर हम इक्विलेटर क्या कहते हैं, पहले तो हमें ये रेगुलर हेक्सागन में से ये दो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इस शेडेड पोर्शन का आ जाएगा, इसका और इसका, और ये तो इक्विलेटर ट्राइंगल है ही चारों, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले पहले हेक्सागन का देखो, हेक्सागन का एरिया क्या होता है, साइड दे रखी है तो हेक्सागन में 6 हमारे इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं, तो 6 × इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 a² यानी 36, ठीक है। तो ये हो गया 54√3, ये हो गया पूरे हेक्सागन का एरिया, ठीक है। उसमें से ये अनशेडेड पोर्शन का माइनस कर दो तो ये दो इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया अनशेडेड पोर्शन में, तो इसमें से दो इक्विलेटर ट्राइंगल माइनस कर दो तो हमारा ऐसे भी आ जाता, ठीक है, 4 का लेना होता हमको, ठीक है। तो ये कितना आता हमारे पास, 36√3, ठीक है। तो 36√3 तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये 4 इक्विलेटर ट्राइंगल हो रही भी है बाहर, ठीक है, ए पी एफ क्यू ए बी, ठीक है। इनकी साइड भी 6 6 है क्योंकि ये जो साइड है कॉमन है इसमें, ठीक है। तो 4 इक्विलेटर ट्राइंगल और ऐड कर दो इसमें, ठीक है, √3/4 36, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 36√3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 36 + 36 कितना होता है, 72√3, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके सेट में गलत है। देखिए मैं बता देता हूँ क्यों गलत है। देखिए दो तीन तरीके से आप इसको बता सकते हो किस तरह ये गलत है, ठीक है। एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी मान लो इसको, ठीक है। उसने कहा है कि इसमें से इस तरह से काटा जाता है इसको कि एक रेगुलर ऑक्टागन मिले, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये रेगुलर है, थोड़ा दिख रहा है इरेगुलर होगा क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, बट रेगुलर ऑक्टागन यानी सब सब साइड बराबर है और हर एक इंटरनल एंगल भी बराबर है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 साइड है। अब क्या बोला उसने कि ये 8 है, ये 6 है, ठीक है। एक तो आप इसको देख के ही बता सकते हो, देखो मान लो कि रेगुलर ऑक्टागन है तो हर एक साइड इसकी बराबर होगी, ठीक है। तो ये ए मान लो, ये ए मान लो, ये ए मान लो, ठीक है, 2a मान लो, इजी होगा आपको कैलकुलेशन में, ठीक है। हर एक साइड 2a 2a मान लो, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमें टोटल इन तीनों का सम 8 लाना है, ठीक है। तो ये अगर 2a है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 2a है तो हाँ 4 - a होगा, ये भी 4 - a होगा, ठीक है। ए मान के भी कर सकते हो बट वहां पे a/2 करना पड़ता है आपको, तो इजी रहेगा 2a मान के करो, ठीक है। तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यानी 2a मान सकते हैं हम। सिमिलरली यहाँ भी लोगे तो ये 6 है टोटल, ठीक है। तो ये अगर 2a है तो बाकी के जो बचे हुए वो क्या क्या है, 3 - a और 3 - a, ठीक है। अब ये दोनों साफ आपको पता चल रहा है डिफरेंट साइड है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। एक बात याद रखना कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी रेगुलर जो पॉलीगन होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, उसका जो इंटरनल एंगल होता है, ठीक
वो होता है एन माइनस टू पाई बाय एन। ठीक है, जैसे आप अगर स्क्वायर लोगे, ठीक है, तो एन माइनस टू साइड होती है उसकी 4, तो अंदर क्या होगा 180 बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर आप वो लोगे पेंटागन लोगे तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। ठीक है, हेक्सागन लोगे तो 6 करोगे तो यहाँ यहाँ पे 4 आएगा, नीचे 6 आएगा, ये 180, तो कितना होगा हर एक एंगल कितना होता है 120। ठीक है, ऑक्टागन में क्या है 8 साइड होती है, तो 8 माइनस 2 बाय 8 इंटू 180। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 6 बाय 8 इंटू 180, तो ये कट के क्या आएगा आपका 135। ठीक है, ये 3 से कटेगा 4, तो 45 इंटू 3 135। तो यहीं से ही आपको गलती पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए अगर ये 135 एंगल है, ठीक है, ये भी 135 एंगल है, तो जो ये 180 माइनस 135 कितना होता है 45, ये भी 45 होना चाहिए। अब यहीं से आपको गलती पता चलती है, ये 4 माइनस a है, ठीक है, ये साइड, ये 3 माइनस a है। ठीक है, जब दोनों साइड डिफरेंट है, ठीक है, तो आइसोसेलेस तो हो ही नहीं सकता, 45 45 हो नहीं सकता, 45 45 तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ये बराबर ही नहीं है, तो यानी कि यही कंसेप्चुअली आपका रॉन्ग आ गया आपका आंसर। ठीक है, अगर ये बराबर होते तो आप कह सकते थे आगे फर्दर सोल्व करते। ठीक है, तो इसलिए किसी रेक्टेंगल में आप ऑक्टागन नहीं बना सकते, सेम इसी वजह से कि ये जो एंगल जो बनेगा 45 45 135, ठीक है, तो जो बाहर का एंगल बचेगा वो 45, वो आइसोसेलेस बन होना चाहिए। ठीक है, ये जो बाहर जो आपका ट्राइंगल बनेगा आइसोसेलेस होना चाहिए, और आइसोसेलेस हो नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर होता तो आप निकाल सकते हो, बट ये रेक्टेंगल में नहीं बन पाएगा आपका। ठीक है, तो यही आपका कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया। यही आपको अगर मान लो स्क्वायर दिया होता, ठीक है, मान लो स्क्वायर बोला होता तो आप इजीली निकाल सकते थे, स्क्वायर मान लो 8 8 साइड का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका बन जाता है, ये अगर मान लो ऑक्टागन है, ठीक है, ये 2a है, ठीक है, तो ये कितना होता 4 माइनस a, ये भी 4 माइनस a, ठीक है, ये भी 4 माइनस a, ठीक है, ये भी 4 माइनस a, ठीक है, तो ये तब ठीक था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता। ठीक है, आपका ये रेक्टेंगल से नहीं बन पाएगा क्योंकि आपका जो कट के जो ट्राइंगल आएगा बाहर वाला वो आइसोसेलेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक फिगर दे रखी है आपको, उसमें रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो है 14√2। ठीक है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो पहले पी क्यू आर एस की साइड निकाल लो। वैसे पी क्यू आर एस की साइड निकालोगे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहले मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर वैसे बता देता हूँ फॉर्मूला से कैसे निकालना है, फिर एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। देखिए ये जो है आपका, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। देखो ये है, ये साइड इमेजिन कर लो आप एक, ठीक है, एक ही साइड ले रहा हूँ मैं, EHGF। ठीक है, स्मॉल जो स्क्वायर है उनका एरिया निकालना है, अगर एक का निकाल लोगे सारे आइडेंटिकल हैं तो चारों का आ जाएगा। ठीक है, ये है रेडियस वो सर्कल का सेंटर, ठीक है, और स्क्वायर का भी सेंटर यही है। ठीक है, तो रेडियस उसने दे रखी है 14। ठीक है, तो पहले डायमीटर कितना हो जाएगा 28√2। ठीक है, अब अगर डायमीटर 28√2 आ गया, यानी कि आप स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर का डायगनल क्या होता है, √2a। ठीक है, तो 28√2 इक्वल टू √2a, तो a आ गया 28। ठीक है, स्क्वायर की साइड 28 आ गई। ठीक है, तो अगर स्क्वायर की साइड 28 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये होगा 14। ठीक है, और ये छोटे वाला स्क्वायर है उसकी साइड मान लो आप a, ठीक है, तो ये हो जाएगा a। ठीक है, तो ये वाली इसको 2a मान लो। ठीक है, कैलकुलेशन में इजी होगा, 2a मान लिया। ठीक है, तो अब ये देखो ये कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये, ठीक है, ये जो साइड है ये रेडियस होगी। ठीक है, इसको मान लो ओ, तो ओ एफ क्या है, रेडियस होगी हमारी। ठीक
ठीक है, तो रेडियस हमको दे रखी है कितनी, 14√2। ठीक है, तो हाइपोटन्यूज हो गया रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर 14√2 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा दो, ठीक है, प्लस ये जो हम साइट है ये ए हो गया, ठीक है, ये वाली जो साइट है छोटी, ए स्क्वायर प्लस 14 प्लस 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलो तो आपका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 196 इंटू 2 कितना होता है, 196, 2 इंटू 196 लिखो, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है, इंटू 2 इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 196 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 56, ठीक है, 56a, ठीक है, एक 196 ये काट देंगे हम इसको, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5a² प्लस 56a, ठीक है, और माइनस 196, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे से करके देखोगे तो ये ए आ जाएगा आपका 2.8, ठीक है। अब ए अगर 2.8 आया है हमारा, ठीक है, तो हमने 2a माना था ना साइड को, तो हमारा स्क्वायर की साइड क्या है, स्मॉल स्क्वायर की क्या है, 2.8 इंटू 2, ठीक है, इसको 2 करेंगे तो अब आपको एक स्क्वायर की साइड पता चल गई, ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, 5.6 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5.6 का होगा ऑलमोस्ट 30.36, ठीक है। अब उसने चारों का पूछा है, ठीक है, एक का नहीं पूछा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 125.44, ठीक है, ये आ गया। बस इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में ही आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर कोई ट्रिक पता है आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखो, ठीक है, उससे सोल्व करके देख लो, ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा जो दो रूट्स होते हैं उनका सम होता है, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है माइनस बी बाय ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 196 बाय 5 और ये हो जाएगा 56 बाय 5, ठीक है, तो यहाँ से 5 अल्फा प्लस 5 बीटा क्या हो जाएगा 56 और 5 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस 196, ठीक है। यहाँ पे स्लाइट मिस्टेक होगी, देखो ये भी होगा माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये थोड़ा गलती होगी, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, ठीक है, तो अब ये आ गए आपके दो, ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर 5 अल्फा 5 बीटा है ना, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है, अब दो आगे रूट्स आ गए आपके पास, ठीक है, 5 अल्फा 5 बीटा, यहाँ भी 5 अल्फा 5 बीटा, ठीक है, जब आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब ऐसे पेयर बना लो जिनसे जिनका सम हो माइनस 56, ठीक है, यानी कि एक एक जो टर्म होगी वो नेगेटिव में होगी, वो बड़ी होगी, ठीक है, क्यों दूसरी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी भी नेगेटिव हुई तो स्क्वायर की जो साइड होती है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक टर्म आपकी पॉजिटिव होगी और वो बड़ी वाली टर्म होगी, ठीक है, दूसरी टर्म नेगेटिव होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आप निकालो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वो भी आपका
नेगेटिव में, तो वो तो जेन्युइन सी बात है होगा ही, अगर एक नेगेटिव टर्म है दूसरी पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दो तीन ट्रिक है मैंने यूट्यूब पे देखी थी, कई जगह पे आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी सोल्व करना है तो काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, बट इतना तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सोल्व करना है, इसमें और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका 2-3 मिनट लग सकते हैं। अगर आप वैसे -b + -b² - 4ac से करके करोगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि रूट में आंसर आ जाएगा, या फिर जो अंडर रूट में होगा वो डिफिकल्ट सोल्व होने में, सोल्व करने में डिफिकल्ट होगा। तो बेटर है थोड़ा एक दो ट्रिक्स सीख लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने की। ठीक है, एक तो ये मैंने देखी थी यूट्यूब पे, ये अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप इनके पेयर बना लो, जैसे यहाँ पे क्या होगा, 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है, into 5। ठीक है, अब हमको जो सम लाना है वो लाना है -56, और जो मल्टीप्लीकेशन लाना है वो लाना है -195, 196 into 5। ठीक है, तो इसके फर्दर पेयर बना लो into 5। ठीक है, अब देखो किन का, एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी टर्म है वो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, और जो छोटी टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या बन सकता है, 7749 20 + 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा 56 से। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, 7 into 5 35 into, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ऐसे बना लो आप 5 into 10 into 7, ठीक है, 70 और 14 हो जाएगा, तो -17 और 14 आ जाएगा। ठीक है, ये दो जो है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो बड़ी वाली हमने नेगेटिव ली है, क्योंकि बड़ी वाली नेगेटिव चाहिए हमको, तभी ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर बड़ी वाली पॉजिटिव होगी तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या है, देखो ये तो हो नहीं सकता हमारा स्क्वायर की साइड, क्योंकि नेगेटिव में है, तो यही हो सकती है, तो ये आ गया 5 अल्फा। ठीक है, ध्यान रहे हमने 5 अल्फा माना था। ठीक है, हमको निकालना अल्फा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 अल्फा नहीं निकालना हमको, तो इसको अल्फा को 14 को 5 से डिवाइड करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिवन फिगर है, इसमें आपको 5 सेमीसर्कल दिए हुए हैं, चार चार छोटे आइडेंटिकल और एक बड़े वाला। ठीक है, और उसमें ए बी आपको दिया हुआ है पहले ही, ठीक है, 56। ठीक है, फिर ए ई है 1 सेमीसर्कल, ई एफ है और एफ जी है। ठीक है, ये टोटल आपको दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया उसने व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब शेडेड रीजन का अगर आपने एरिया निकालना है, तो उसकी अगर आप रेडियस निकाल लो तो एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ठीक है, ये इसके सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन का रेडियस है। ठीक है, और ये पूरा लाइन का क्या है, जैसे ए एफ 28 है, ठीक है, 56 की हाफ, उसी तरह से इसको आप एफ एक्स मान लो, तो एफ एक्स क्या है, 28। ठीक है, तो एफ ये एम मान लो, तो एफ एम क्या हो जाएगा, 28 - r। ठीक है, सिमिलरली अब ये इसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, अगर देखिए टोटल का, यहाँ से ए एफ है 28, ठीक है, तो ए कितना होगा 14, तो ए इसको एल मान लो, ठीक है, तो एफ एल कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 हो गया। अब हमको एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये आर हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो हाइपोटन्यूज कितना हो गया, 7 + r² इज इक्वल टू, वो क्या निकला था हमारा, एफ एम 28 - r, ठीक है, +49। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, यहाँ स्क्वायर आएगा 49 है, तो ये क्या आएगा, 49 + r² + 14r। ठीक है, +49 + 28 का स्क्वायर क्या होता है, +r² - 56r। ठीक है, 49 से 49 कट जाएगा, ठीक है, r² से r² कट जाएगा,
उधर जाके क्या आएगा, 70R इज इक्वल टू 28 इंटू 28, ठीक है। तो ये क्या आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, R कितना आ जाएगा हमारा, 11.2, ठीक है, 11.2 आ गया, ठीक है। अब आपका पास, आपके पास आर आ गया, तो पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है, पाई 11.2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, 11.2 का होल स्क्वायर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 394.24। नेक्स्ट है आपका, देखिए एक प्रिज्म दिया हुआ है आपको, ठीक है, स्क्वायर बेस है उसका, ठीक है, स्क्वायर बेस प्रिज्म है आपका, ठीक है, इसको 2D में इमेजिन कर, 3D में इमेजिन कर लेना, ठीक है, फिगर थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, ठीक है, ऐसा प्रिज्म होता है आपका, ठीक है। तो स्क्वायर बेस है इसका, आपका हाइट है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस की वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द प्रिज्म इज कट 3 इक्वल पार्ट, ठीक है, तो इक्वल हाइट पे 3 इक्वल पार्ट में काटा जाता है, ठीक है, तो यानी कि 9 है तो 3 3 3 में काट दिया, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टॉप मिडिल लाइन, इसका रेशियो तो 1:1:1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर फिगर है, ठीक है, कोई रेगुलर फिगर तो है नहीं, अगर आप इक्वल हाइट पे काटोगे तो 3 इक्वल छोटे प्रिज्म बन जाएंगे आपके, ठीक है, जिसकी हाइट 3 3 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, तो सही है, इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रेडियस ऑफ ए होलो कोन, ठीक है, एक कोन दिया हुआ है आपको, होलो कोन है, उसकी रेडियस पहले फिगर बना लेते हैं। देख कुछ इस तरह से आपकी फिगर आएगी, होलो आपके पास एक कोन है, ठीक है, उसकी बेस की रेडियस आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, उसकी हाइट दी हुई है आपको, ठीक है, तो ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक ये आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, परफेक्टली फिक्स फिट स्केयर है, आपको रेडियस निकालनी है, ठीक है, ये वही सिमिलर ट्रायंगल का केस बनेगा यहाँ भी, ठीक है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, ये इसका आर हो गया, ये भी इसका आर है, ठीक है। अब देखो ये हमको पता है, ये पता है आपके पास, यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये राइट एंगल है, ठीक है, ये 15 है, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, 15 माइनस आर, ठीक है, क्योंकि रेडियस आर है, और क्या चाहिए हमको, बड़े वाले ट्राइंगल की। अब देखो यहाँ पे क्या गलती कर सकते हो आप, जो मैंने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था कि जब सिमिलर ट्राइंगल का केस आता है तो हम कोरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं, ठीक है, जैसे हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो बराबर होता है, ठीक है, बेस का बेस के साथ और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है, तो इसमें क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज तो ये है, ठीक है, और बड़े वाले का ये है, ठीक है, पूरा, तो हमको हाइपोटेन्यूज का रेशो हाइपोटेन्यूज के साथ इक्वल करना है, बेस का बेस के साथ, ठीक है, और हाइट का हाइट के साथ, ठीक है। अब देखो बेस तो दोनों का पता है हमको, तो बड़े वाले का बेस है 8, छोटे वाले का है आर, ठीक है, बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज, छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज कितना है, 15 माइनस आर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के सामने जो भी साइड होती है हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमें बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, पाइथागोरस लगा के, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो क्या होगा, 225 प्लस 64 कितना आ गया, 289, तो यानी कि 17 है, तो हमको ये आ गया कितना, 17 आर, ठीक है, 17 सॉरी। अब इसको सोल्व कर लो, 17 आर इज इक्वल टू 120 माइनस 8 आर, तो 25 आर इज इक्वल टू 120 आर आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 24/5, ठीक है, तो स्मॉल आर आ गया आपका 24/5/5, कैपिटल आर, बड़ा आर दिया हुआ है आपको, ठीक है, बड़ी रेडियस 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस
ऑफ बेस ऑफ कोन, ठीक है, तो यानी कि कोन, बेस ऑफ कोन की रेडियस क्या है 8, और स्फेयर की रेडियस क्या है 24/5, तो कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो पार्ट उसका कर्व है ना, ठीक है, उसका एरिया, तो वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, प्लस उसका टोटल एरिया ऑफ इस टू बेसिस। टू बेसिस कौन कौन से, सर्कुलर बेसिस, तो उनका बेस एरिया क्या होगा टोटल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इनका रेशियो उसने दिया हुआ है क्या, 2:1, तो क्या हो गया, आर से आर कट जाएगा, यानी कि बेसिकली उसने हाइट और रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 23100, देन वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेसिस प्लस एरिया ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो तीनों को अगर वो करोगे आप, जैसे टोटल बेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये कितना है हमारे पास 23100, ठीक है। अब 2 पाई आर, देखिए यहाँ पे एच और आर का रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो एच को हम लिख सकते हैं 2x, आर को लिख सकते हैं x, ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई आर यानी कि 2 पाई x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच, ठीक है, तो उसको 3x, तो यहाँ पे क्या आ गया 23100, तो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 35, ठीक है, इजीली सोल्व हो जाएगा इसको, 22/7 लिखो, 11, सॉरी 22 से कट जाएगा, 11 से कटेगा 2100, ठीक है, और ये 4 आएगा, ये 3 से 7 कटेगा, ठीक है, 4 से 75, ठीक है, तो फिर उधर 7 चला जाएगा, आएगा 25 × 7 × 7, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 35, ठीक है, तो एक्स 35 आ गया। उसने पूछा क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर कितना है एक्स के बराबर, एक्स हमारा 35 है, तो 35 × 35, एच कितना है 2x, तो यानी कि 70, सोल्व कर लो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 26950, ठीक है, ठीक है। तो ये आज आपके 42 तक क्वेश्चन हो गए, मैं ट्राई कर रहा था 50 तक हो जाए, पर ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, तो होपफुली ये चार चार वीडियो में ही कंप्लीट हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। बीच में 5 क्वेश्चन आपके DI के हैं, तो वो नहीं कराने, वो आप खुद कर लेना, कैलकुलेटिव बेस है उसमें, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपके टोटल क्वेश्चन बचेंगे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन बचे हैं आपके, तो ठीक है, तो 2 वीडियोज और लगेंगी, ठीक है, तो आपका ये 17 फेब का कंप्लीट हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।